चलते फिरते जोगी रमते बादल सूरज धूप हवा, चलते फिरते जोगी रमते बादल सूरज धूप हवा, किसी भी दर पर कभी न रुकते बादल सूरज धूप हवा। और मेरे घर को घेर के बैठी उत्तरी ध्रुव की काली रात, उत्तरी ध्रुव कुतुब शिमाली हिंदी, मेरे घर को घेर के बैठी उत्तरी ध्रुव की काली रात, तेरे घर के आगे पीछे बादल सूरज धूप हवा, मेरे घर को घेर के बैठी उत्तरी ध्रुव की काली रात, तेरे घर के आगे पीछे बादल सूरज धूप हवा, और तेरे बिछड़ने पर ऐ साजन दिल का मौसम बदल गया, तेरे बिछड़ने पर ऐ साजन दिल का मौसम बदल गया, इस गुलशन का रास्ता भूले बादल सूरज धूप हवा। और गजल के हज पर जाने से पहले कुछ सामान जरूरी था, गजल के हज पर जाने से पहले कुछ सामान जरूरी था, मैंने भी गठड़ी में बांधे बादल सूरज धूप हवा। एक और गजल के कुछ शेर याद आ रहे हैं, साहिब सदर फरमान है, भरे पूरे मेले में गए थे किसके सहारे भूल गए, भरे पूरे मेले में गए थे किसके सहारे भूल गए, किसकी उंगली मुट्ठी में थी हम बेचारे भूल गए। चाइल्ड लॉस्ट इन अफेयर, किसकी उंगली मुट्ठी में थी हम बेचारे भूल गए, और जीवन की जब शाम हुई तो सोचा घर भी हो आए, जीवन की जब शाम हुई तो सोचा घर भी हो आए, कितने दिन जौवन के थे और कहां गुजारे भूल गए, कितने दिन जौवन के थे और कहां गुजारे भूल गए। जीवन की जब शाम हुई तो सोचा घर भी हो आए, कितने दिन जौवन के थे और कहां गुजारे भूल गए। एक चरवाही पगडंडी पर दिन भर बैठी रहती है, एक चरवाही पगडंडी पर दिन भर बैठी रहती है, उस बस्ती का रास्ता जब से हम बन जा रहे भूल गए, एक चरवाही पगडंडी पर दिन भर बैठी रहती है, उस बस्ती का रास्ता जब से हम बन जा रहे भूल गए, डोली उठी या चिता पे बैठी सब था एक समान उसे, डोली उठी या चिता पे बैठी सब था एक समान उसे, याद रही दो रोती आंखें चेहरे सारे, डोली उठी या चिता पे बैठी सब था एक समान उसे, याद रही तो रोती आंखें चेहरे सारे भूल गए। और एक शेर और याद आ रहा है, पड़ गए अपनी जान के लाले कैसे सपेरे थे हम भी, पड़ गए अपनी जान के लाले कैसे सपेरे थे हम भी, एक न
नागन को गले लगाया मंत्र सारे अपनी जान के लाले कैसे सुते रहे थे हम भी एक नागन को गले लगाया मंत्र सारे तीन माह में आपने मांगे लेकिन ईद के सिलसिले में नज्म मैं नज्म का शायर हूँ मतलब का शायर नहीं हूँ लेकिन कई बार मानी इस कदर इस्तारे की जबान में या इलामत की जबान में भरे जाते हैं कि जैसे डायनामाइट आप किसी पाइप में रख दें और जब आपके जेन उसके मानी खुलते हैं तो वही हालत होती है जो बम के फटने की होती है दो लफ्ज आप याद रखें इस नज्म के लिए इसको मान है बनवास आप जानते हैं बनवास किसका था कितने दिनों का था यह बनवास रामचंद्र का 14 वर्ष का जाने वाले ने ईद का दिन ही क्यों चुना उससे कोई क्या पूछे ये पैरे खफीफ रन ऑन लाइन्स में है फायलातन फायलन फेलन और फिर नफ्से मजमून फ्लो करता हुआ सतर के आखिर से चलता हुआ दूसरी तीसरी चौथी सतर में कहीं बीच में रुक जाता है वही शेक्सपियर के ड्रामों की रन ऑन लाइंस जाने वाले ने ईद का दिन ही क्यों चुना उससे कोई क्या पूछे चांद की पहली रात थी और आज चांद की चौदहवीं है 14 दिन दिन नहीं है तवील तर अरसा 14 वर्षों का है जिसे मैंने जहन के जंगलों में फिरते हुए घर की दहलीज पर गुजारा है फिर सुनिए छोटी सी नज़्म है लेकिन गौर फरमाइए जाने वाले ने ईद का दिन ही क्यों चुना उससे कोई क्या पूछे चांद की पहली रात थी और आज चांद की चौदहवीं है 14 दिन दिन नहीं है तवील तर अरसा 14 वर्षों का है जिसे मैंने जहन के जंगलों में फिरते हुए घर की दहलीज पर गुजारा।